नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश अपने YouTube चैनल द मास्टर ट्रिक्स पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं और ये क्या होता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट में कोई लाइन टाइप करते हैं तो उसकी नॉर्मल लाइन या उसको बेस लाइन भी कहते हैं के ऊपर जो भी कुछ लिखते हैं वह सुपर स्क्रिप्ट होता है, और अगर हम उसकी नॉर्मल लाइन या बेस लाइन के नीचे हम कुछ लिखते हैं तो वह सब स्क्रिप्ट होता है। चलिए इसको हम अपने कंप्यूटर में करके देख लेते हैं। एक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का एक एक एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में H2O हमने लिख रखा है। अब अगर नॉर्मल हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये ऐसे टाइप नहीं होगा। देखिए, हम टाइप करते हैं ए स्क्वायर लिखने के लिए 2, तो ये नॉर्मल लाइन में ही आ रहा है। इसके बाद प्लस और बी फिर 2। देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सुपर स्क्रिप्ट का एग्जांपल है। इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। हमने A2 प्लस B2 सिंपल टाइप कर दिया, और अब जिस भी कैरेक्टर को हमें सुपर स्क्रिप्ट बनाना होता है यानी कि इस लाइन के नॉर्मल लाइन के ऊपर ले जाना होता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ 2 को सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों 2 को, और उसके बाद हम होम मेनू के अंदर फॉन्ट टैब में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, और यहाँ इफेक्ट्स वाले टैब में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के 2 चेक बॉक्स होते हैं। यहाँ से हम सुपर स्क्रिप्ट का चेक बॉक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है को क्लिक करके चेक कर देते हैं और ओके बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए, अब यह जो हमने A2 प्लस B2 लिखा था वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन चुका है, यानी कि अब यह सुपर स्क्रिप्ट बन चुका है। इसी तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब चलिए, हम सब स्क्रिप्ट में हमने H2O लिखा है, इसको कैसे लिखते हैं देखते हैं। कीबोर्ड से चलिए हम H2O टाइप कर लेते हैं। H2O, देखिए यह नॉर्मल टाइप हो गया है, इसमें 2 बिल्कुल नॉर्मल लाइन में ही है, वह नीचे नहीं गया है। तो अब इस 2 को हमें सब स्क्रिप्ट बनाना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हम फिर से होम मेनू के अंदर फॉन्ट टैब में जाके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, और अब इफेक्ट टैब में आके सब स्क्रिप्ट वाले चेक बॉक्स को क्लिक करके चेक कर देंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब देखिए, H2O में 2 नीचे आ गया, यानी कि अब यह सब स्क्रिप्ट बन गया। चलिए, इसका हम कीबोर्ड शॉर्टकट भी देख लेते हैं कि कैसे हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को लिखते हैं। इसके लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस वाली बटन तीनों को एक साथ प्रेस करना होगा उस कैरेक्टर या वर्ड को सेलेक्ट करके जिसे हम सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए, हमें X3 AB लिखना है। इसमें हम AB को सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, तो AB को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस वाली बटन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे। देखिए, जैसे हम प्रेस करते हैं तो तुरंत AB नॉर्मल लाइन के ऊपर चला गया, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट बन गया। इसी तरीके से हम NH3 लिखते हैं। ये देखिए, NH3 लिखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब इसमें 3 को हमें सब स्क्रिप्ट बनाना है, तो 3 को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस वाली बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, तो देखिए 3 जो है वह नॉर्मल लाइन के नीचे चला गया और यह सब स्क्रिप्ट बन गया। तो इस तरीके से हमने कीबोर्ड शॉर्टकट भी सीख लिया कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। चलिए एक और तरीका सीख लेते हैं। हम इंसर्ट मेनू में आते हैं, यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ नीचे हमें मोर सिंबल्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करते हैं और फिर सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें सिंबल्स टैब के अंदर देखिए सबसेट में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट लिखा दिखाई दे रहा है। अगर इसकी जगह कुछ और हो तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं सिंबल्स में, तो हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को यहाँ से चूज कर लेंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ से हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें जो भी कैरेक्टर या वर्ड
सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट बनाना है उसको सेलेक्ट करके और इंसर्ट बटन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ से भी हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को लिखते हैं। उसके लिए हमने तीन तरीके आपको बताए। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके निश्चित ही काम आने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।